Now, let us start with the graph of linear polynomial. Linear polynomial means degree 1. Degree 1 मतलब variable का maximum power क्या होना चाहिए? 1. So, now take an example. Y is equal to x plus 1. देखो, x का power यहाँ पे क्या है? 1. This is known as linear polynomial or also known as degree 1 polynomial. चलिए, इसका graph बनाइए बेटा. पहले भी पढ़ चुके हैं आप in class 9 में. देखो, क्या होगा? Make table x and y. पहले ही बता चुके कि केवल दो पॉइंट लीजिए, x इज इक्वल टू जीरो, y कितना आया, टेक y इज इक्वल टू जीरो, x कितना आएगा. ये जो पॉइंट मिलेगा, ये हमेशा पॉइंट कहां पे मिलेगा? ऑन एक्सिस पे मिलेगा. यस, नाउ सी हियर, y इज इक्वल टू x प्लस 1. नाउ अज्यूम दिस इज इक्वेशन 1. नाउ पुट x इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 1. मानी x इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू जीरो प्लस 1. दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1. नाउ अगेन पुट y इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन 1. अगर y जीरो पुट करते हो तो देखो जीरो इज इक्वल टू x प्लस 1. सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 1. सो सी हियर, x इज इक्वल टू जीरो, देन y इज इक्वल टू व्हाट? 1. व्हेन y इज इक्वल टू जीरो, देन x विल बी व्हाट? माइनस 1. सी फ्रॉम हियर, यस, बस यही दो पॉइंट है. ये दोनों पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो, y विल बी व्हाट? y इज इक्वल टू जीरो, x विल बी व्हाट? ये दोनों पॉइंट कहां बताएगा? These points always give a point on x axis and y axis. Now see here. अब coordinate क्या हो गया बेटा? xy coordinate can be represented as what? xy. देखो x क्या है इसका? 0. y क्या है? 1. तो 0 1 will be the coordinate. Now यहाँ पे देखो x क्या है? माइनस 1. y क्या है? 0. तो माइनस 1 0 will be the coordinate. Yes. Now draw a rectangular coordinate system. Now see this point. 0, 1, मैंने x, 0, y, 1, तो x, 0, y, 1, ये पॉइंट हुआ. सेकंड पॉइंट लोगो, minus 1, 0, मैंने x, minus 1, तो x, minus 1, y, 0, ये पॉइंट हुआ. देखे, कहां पर पॉइंट आया? एक्सिस पे. सिंपल, इसको लाइन को ज्वाइन कर दो. अब इसके बीच में और भी पॉइंट, अब टेबल अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो जितने पॉइंट आएंगे सब इसी लाइन पे आएंगे. यस नो? तो ये क्या हुआ? दिस ग्राफ विल बी अ y इक्वल टू x प्लस 1. नाउ टेक अदर एग्जांपल, माइनस y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1. ये भी लिनियर पॉलिनोमियल है. x का पावर देखो कितना है यहाँ पे? 1. नाउ अगेन टेक x y, x इज इक्वल टू 0. x कितना पुट किए? 0. तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 पुट करो तो माइनस y इज इक्वल टू x करके 0 पुट किए, 0 प्लस 1. तो माइनस y इज इक्वल टू 1, इसलिए y इज इक्वल टू माइनस 1. तो पुट हियर x इज इक्वल टू 0, देन y विल बी माइनस 1. अगेन पुट y इज इक्वल टू 0. नाउ पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 है, पुट करो y की जगह पे 0, 0 इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस x प्लस 1. तो x उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस. तो x इज इक्वल टू व्हाट? 1. सो हियर y इज इक्वल टू 0, देन x विल बी 1. नाउ कोऑर्डिनेट विल बी व्हाट? xy. 0 माइनस 1, 1 0. नाउ अगेन ड्रॉ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. टेक पॉइंट हियर, 0 माइनस 1, x 0, y माइनस 1, दिस पॉइंट. 1 0, x 1, y 0, दिस पॉइंट. नाउ ड्रॉ दिस लाइन. दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट? माइनस y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1. सो क्या ग्राफ आपको मिला? ये स्ट्रेट लाइन. यस नो? सो द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विल बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. तब दो चीज रिमेंबर कर गए, ग्राफ ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल विल बी ऑलवेज पैरेलल टू एक्सिस, मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस, एंड ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विल बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन. आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड. नाउ अब लेट अस स्टार्ट विद ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 2 पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल. सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल कैसे लिख सकते हो बेटा? देखो यहां पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, सेकंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y. देखो x का पावर कितना है? 2. x का पावर यहां कितना है? 2. तो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल होगा. नाउ अब एक स्टार्ट करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू y. स्टार्ट करो इसको, x स्क्वायर इज इक्वल टू y. नाउ अगेन मेक टेबल, टेबल मेक कर लिया बेटा. देखो ये x, ये y. अब पुट करो यहां पे x इजकल टू 0. x इजकल टू 0 पुट किए इस इक्वेशन 1 में, तो 0 इजकल टू y, तो y भी कितना है? 0. यानी x इजकल टू 0, तो y 0. नाउ अगेन पुट x इजकल टू 1 इन इक्वेशन 1. x इजकल टू 1 पुट करो, तो यहां पुट करो 1 का स्क्वायर 1 इजकल टू y, तो y कितना है? 1. जब x इजकल टू 1 पुट किए तो y कितना आया? 1. जब हम x इजकल टू 2 पुट करेंगे, यहां 2 पुट करो तो y कितना आएगा? 2 टू जब 4. जब x इजकल टू देखो माइनस 2 पुट करो इक्वेशन 1, माइनस 2 पुट करो तो माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y. तो y इज इक्वल टू क्या आया? अगेन 4.
यानी x इक्वल टू 3 पुट करो तो y कितना आएगा 9, x इक्वल टू माइनस 2 पुट करो तो y कितना आया 4। सो कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बना आपका, देखो लिख देता हूं बेटा, कोऑर्डिनेट विल बी व्हाट, देखो 0 0 1 1 2 4 ……. यही कोऑर्डिनेट हुआ, यस और नो? चलो कोऑर्डिनेट, नाउ ड्रॉ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 0 0 0, सेकंड पॉइंट 1 1, एक्स इजकल टू 1 तो वाई 1, एक्स इजकल टू 1 तो वाई इजकल टू 1, ये पॉइंट हुआ 1 1। सेकंड पॉइंट एक्स इजकल टू 2 तो वाई इजकल टू 4, अगर एक्स 2 है तो वाई कितना है 4 दिस पॉइंट। चलो थर्ड देखो, एक्स इजकल टू जो माइनस 1 तो वाई 1, जब एक्स माइनस 1 लिए तो वाई 1 दिस पॉइंट माइनस 1 1, एक्स इजकल टू माइनस 2 तो वाई 4, जब एक्स इजकल टू माइनस 2 लेंगे तो वाई क्या आएगा 4, दिस पॉइंट विल बी माइनस 2 4। नाउ ज्वाइन दिस पॉइंट, ज्वाइन करेंगे तो देखो ऐसा कर्व बना है ना, ये कर्व बना, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस कर्व में ओरिजिन, और इसमें क्या बोलेंगे इसको, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है यहाँ पे देखो तो एक पॉइंट कितना है 0 0, बिकॉज कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। ये कर्व कैसे, कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड करेंगे, पुट एक्स इजकल टू 0, अगर y भी 0 आ गया मतलब 0 0 कोऑर्डिनेट आ रहा है तो समझेंगे कि कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, और अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स व्हाट, कर्व डज नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन। यस और नो? तब याद रखो मैं सर, दिस टाइप का ये कर्व जो हुआ, जो इस टाइप का कर्व बना, इसको बोलते हैं बेटा पैराबोलिक कर्व। इस ट्रेजेक्टरी कर्व को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक कर्व, पैराबोला, ऑल्सो नोन एज पैराबोला, ऑल्सो नोन एज पैराबोला। पैराबोला बस नेम है ना, दिस इज नथिंग बट अ नेम, जैसे ट्रिगोनोमेट्री नेम है, अलजेब्रा नेम है, लिनियर स्ट्रेट लाइन नेम है, पैरेलल टू वाई एक्सिस नेम है, तो इसी तरह इस टाइप के कर्व को क्या बोलते हैं हम, पैराबोलिक कर्व। यस और नो? बस नेम है, यही याद रखिए, यस और नो, इस टाइप के कर्व को क्या बोलेंगे हम, पैराबोलिक कर्व। ओके, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। I think so, all of you would have completed a chapter trigonometry. That means all of you have done all questions of the chapter trigonometry from the NCERT and RS Agarwal book. That's why today I am going to start a new chapter, polynomials. Basically, we will discuss today a graph of polynomials. For that, we need to know some basic concepts about a polynomial. So let us start with the degree of polynomials. What do you mean by degree of polynomials? Degree of polynomials is the highest power of a variable in polynomials. Example samajhiye, take example here, y is equal to fx is equal to, suppose karo bx plus c, the variable isme kya hai, x, x ka power kitna hai, 1, so ye degree 1 polynomial. Y is equal to fx kya hai, dekho bx cube plus cx plus d, yahan pe x ka power kitna hai, 3, so this is known as what, degree 3 polynomial. See here, y is equal to fx is equal to x to the power 4 plus 1. यहाँ x का power कितना है 4. So this is known as a degree 4 polynomial. I think so understood. Now let us start with the constant polynomial. What do you mean by constant polynomial? A polynomial whose degree is 0. Example take y is equal to 5. तो y is equal to 5, 5 क्या है? Constant. अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है कि ये whose degree is 0, a polynomial whose degree is 0, तो यहाँ पे degree 0 तो आपको नहीं दिख रहा है, variable दिख ही नहीं रहा आपको, so see here, 5 can also be written as 5 into x का power 0, x का power 0 कितना होता है 1, anything का power 0 1, तो अब देखो x का power क्या है यहाँ पे 0, so that's why this is known as 0 degree polynomial. See here, x is equal to 6, this can be written as x is equal to 6 into x का power 0. I think this both are same. X का power 0 is equal to what? 1. So 6 into 1 कितना होगा? 6. I think so both are same. That's why this y is equal to 5 and x is equal to 6 is known as a constant polynomial. Constant polynomial means degree 0. Now take here linear polynomial. A polynomial whose degree is 1. वो polynomial जिसका degree 1 हो. Degree 1 का मतलब variable का highest power क्या होना चाहिए? 1. See here example y is equal to ax plus b. X का power कितना है पे? 1. यहाँ a क्या है? कोफिशियंट ऑफ a. a क्या है? कोफिशियंट ऑफ x. लेकिन x का पावर कितना है एक्चुअली? 1. सो दिस इज नोन एज डिग्री 1 पॉलिनोमियल.
वाई इजिकल टू सी एग्जाम्पल एक्स प्लस फोर, वाई इजिकल टू थ्री एक्स प्लस फाइव, ये देखो एक्स का पावर क्या है पे वन, एक्स का पावर क्या है वन, एक्स का पावर क्या है वन, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ लीनियर पॉलिनोमियल एज वेल एज वन डिग्री पॉलिनोमियल। सेकेंड चलो बोलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज टू, सी एग्जाम्पल वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सी हियर वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स का पावर देखो क्या है यहाँ पे टू, पावर कितना है टू, तो ये टू डिग्री पॉलिनोमियल हुआ। वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स का हाइस्ट पावर क्या है टू, सो टू डिग्री पॉलिनोमियल हुआ। सो दिस वन इज ऑल्सो नोन एज दिस नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ऑल्सो डिग्री टू पॉलिनोमियल। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल होगा हुज डिग्री इज थ्री, जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज सी हियर वाई इजिकल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यार देखो बेटा सी बी ए क्या है, ये कोफिशियंट ऑफ वेरिएबल, एक्स का कोफिशियंट क्या है सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है बी, एक्स क्यूब का कोफिशियंट क्या है ए, दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ टेक एग्जांपल वाई इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस फाइव, एक्स का मैक्सिमम पावर यहाँ क्या है थ्री, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज थ्री डिग्री पॉलिनोमियल। वाई इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, ये भी हुआ, एक्स का हाइस्ट पावर क्या है थ्री, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज थ्री डिग्री पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हुआ जिसका डिग्री थ्री, डिग्री थ्री का मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए थ्री। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ग्राफ, फर्स्ट टेक ग्राफ ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। नाउ सी हियर एक्स इजिकल टू फाइव, एक्स इजिकल टू फाइव कौन सा पॉलिनोमियल है कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है डिग्री जीरो। देखो तो ये दिस कैन बी ऑल्सो रिटेन एज सी हियर अगेन एक्स इजिकल टू फाइव इंटू एक्स का पावर जीरो, ये बोथ आर सेम, आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड। नाउ टेक एक्स इजिकल टू फाइव, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ड्रॉ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और सिंपल देखो एक्स इजिकल टू फाइव इसका ग्राफ कैसे होता है, एक्स फाइव पे लो, मतलब एक्स एक्सिस में फाइव देखिए कहां पे है वन टू थ्री फोर फाइव, यस, तो एक्स एक्सिस जो फाइव फाइव जो पॉइंट हो उस पर क्या करेंगे सीधा लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये एक्स इजिकल टू किसका ग्राफ हुआ फाइव का हुआ। सिंपल देखो यहां एक्स इजिकल टू माइनस टू, एक्स इजिकल टू अगेन ड्रॉ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स इजिकल टू माइनस टू देखो कहां पे है यहां पे है माइनस टू, तो एक्स इजिकल टू माइनस टू पे क्या कर दिए हम सीधा लाइन को ड्रॉ कर दिए, तो ये ग्राफ क्या हुआ एक्स इजिकल टू माइनस टू का हुआ। सो दैट्स वे वन कैन ड्रॉ एक्स इजिकल टू प्लस माइनस के, के इज हियर व्हाट इंटीजर, आप के का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, यस और नो, वन कैन ड्रॉ दिस इजिली एंड ग्राफ विल बी ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी एक्स इजकल टू फाइव, एक्स इजकल टू माइनस टू, एक्स इजकल टू थ्री, एक्स इजकल टू एनी इंटीजर, ऑलवेज ग्राफ विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है इसके पैरेलल है, ये वाई एक्सिस है इसके पैरेलल है, यस और नो। तो सिमिलरली वन कैन ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इजकल टू समथिंग, मतलब वाई इजकल टू फोर एंड वाई इजकल टू थ्री, इसके लिए क्या करेंगे बेटा सिंपल ड्रॉ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। सिंपल देखो वाई इजकल टू फोर कहां पे है, तो वाई इजकल टू फोर इसी यही पॉइंट है जिस पे सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दिए। y इजिकल टू माइनस थ्री सिंपल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए, y इजिकल टू माइनस थ्री माइनस वाले पे देखिए ये माइनस थ्री है तो माइनस थ्री पे ड्रॉ कर दिए, तब देखो तो y इजिकल टू एनीथिंग का ग्राफ क्या हुआ पैरेलल टू x एक्सिस, देखो ये लाइन पैरेलल x एक्सिस का है। सो इफ यू एज्यूम y इजिकल टू प्लस माइनस के, k इज हियर व्हाट इंटीजर, देन इट्स ग्राफ विल बी ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। तो बेटा ये हमेशा याद कर लीजिए कि कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, सो द ग्राफ ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल विल बी ऑलवेज पैरेलल टू एक्सिसेस, दैट मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अंडरस्टूड। एकदम यू रिमेंबर दिस थिंग, ग्राफ ऑफ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल विल बी ऑलवेज पैरेलल टू एक्सिसेस, दैट मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिसेस। सो अब तो बेटा एक पॉइंट क्लियर हो गया कि फर्स्ट जीरो डिग्री पॉलिनोमियल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स व्हाट, मैंने ग्राफ ऑफ जीरो डिग्री पॉलिनोमियल ऑलवेज बी अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड ग्राफ ऑफ वन डिग्री पॉलिनोमियल दैट मींस लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, सो दैट्स व्हाई ग्राफ ऑफ सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल दिस कर्व इज ऑल्सो नोन एज व्हाट पैराबोलिक कर्व, इस पाथ को क्या बोलते हैं पैराबोला, इस कर्व को क्या बोलेंगे पैराबोलिक कर्व, तो यानी कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स व्हाट पैराबोला, सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पैराबोला। सी हियर सेकेंड डिग्री इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पैराबोला, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग।
यस और नो, तब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन अराइज होता है क्या कि हाउ मेनी वेज वन कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और पैराबोला, कितने तरह से इस पैराबोला कर्व को बना सकते हैं। तो एक तो बेटा आपका ये बन गया, एक तो ये कर्व हुआ पैराबोला, इस किसका इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का था इक्वेशन, इसका ग्राफ ऐसा बना। अब देखो सी हियर, कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल केस देखो, एक ये जो भी तुरंत सीखे हम जस्ट लिटिल वाइल अर्लियर, सेम है ग्राफ देखो बेटा, ये वाला और ये वाला देखो सेम ग्राफ है, ये सीखे। अच्छा ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है और ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, तो पैराबोलिक कर्व बस यही चार तरीके से बन सकते हैं। दीज आर द ओनली फोर वेज बाय विच वन कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैराबोलिक कर्व, और कोई अब तरीका आपको नजर आ रहा है, नहीं नथिंग। या तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर या ऐसे, और ये सब पॉइंट ये क्या है, ये वर्टेक्स, ये सबको क्या बोलेंगे हम, वर्टेक्स। वर्टेक्स इसका वर्टेक्स क्या हुआ, ओरिजिन, मतलब कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जीरो जीरो। तब देखो ये किसका ग्राफ था, एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई का, अभी डिस्कस किए, वी हैव जस्ट लिटिल व्हाइल अर्लियर डिस्कस दिस थिंग, एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई का ग्राफ था ये, एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई का। तो ये ग्राफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस वाई का, आप आराम से इसको बना सकते हैं, जैसे अभी टेबल बनाकर किए थे ना, वैसे ही टेबल बनाइए, यही ग्राफ आएगा। जैसे टेबल, ये ग्राफ किसका है, वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स का, और ये ग्राफ किसका है, वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस एक्स का। यस और नो, ये वन टू थ्री फोर, दीज आर द ओनली फोर केसेस ऑफ पैराबोलिक कर्व। नाउ सी हियर, पैराबोलिक कर्व एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई, एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस वाई। नाउ देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस कर्व, मैंने ये पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुआ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इजकल टू फोर ए वाई। देखो एक्स, या देखो रिमेम्बर दिस थिंग, एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई या एक्स स्क्वायर इजकल टू फोर ए वाई, यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और के वाई, के इजकल टू क्या ले लिए हम, फोर ए, हियर के इजकल टू फोर ए। तो एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस फोर ए वाई। देखो तो ये फॉर्मेट जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये फॉर्मेट क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी एक्स स्क्वायर इजकल टू वन कैन ऑल्सो से दैट के वाई, या एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस के वाई, हियर के इजकल टू क्या, फोर ए। देखो ये दिस वन और दिस वन, ये दोनों क्या है बेटा, सेम चीज है। अभी तो बोले कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन, चाहे जैसा भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो, वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। क्यों नहीं करेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर इजकल टू टू वाई तो हो सकता है, एक्स स्क्वायर इजकल टू थ्री वाई भी हो सकता है, यहाँ पे हम थ्री तो कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इजकल टू फोर वाई भी हो सकता है। तो कोई भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो, जैसे मैंने के इजकल टू क्या हो जाएगा, के कुछ भी हम रख सकते हैं, के इंटीजर, टू वाई, थ्री वाई, फोर वाई, यस और नो। तो ये एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई, और एक्स स्क्वायर इजकल टू फोर ए वाई, या एक्स स्क्वायर इजकल टू के वाई, हियर के इजकल टू फोर वाई। तो दिस और दिस थिंग बोथ आर सेम, बट दिस वन इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एक्स स्क्वायर इजकल टू फोर ए वाई, एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस फोर ए वाई। आई थिंक सो अंडरस्टूड, यस और नो। जैसे लीनियर इक्वेशन है, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, वाई इजकल टू एक्स, ये भी लीनियर इक्वेशन है, वाई इजकल टू एक्स प्लस वन, ये भी लीनियर इक्वेशन है, वाई इजकल टू थ्री एक्स प्लस टू, ये भी लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह इन सेम वेज एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई, या एक्स स्क्वायर इजकल टू के वाई, हियर के इजकल टू व्हाट, फोर ए। दिस एक्स स्क्वायर इजकल टू फोर ए वाई, या एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस फोर ए वाई, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यस आई थिंक सो अंडरस्टूड एवरीबडी, यस। नाउ अब देखो यहां से प्रॉपर्टीज क्या है, सी यू ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दिस प्रॉपर्टी ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। देखो एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई और एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस वाई, इफ इवन पावर ऑफ एक्स ऑकर्स। देखो इवन पावर, ये चारों ग्राफ में इवन पावर ऑफ एक्स किसका 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 है, ये है एक्स का पावर, यहां इवन है, यहां एक्स का पावर इवन है। तो इफ इवन पावर ऑफ एक्स ऑकर्स देन कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, यानी सेकेंड डिग्री इक्वेशन में हमेशा देखिए आप कि अगर एक्स का पावर इवन है तो कर्व हमेशा सिमेट्रिकल किसका होगा, सिमेट्रिकल मीन्स कर्व किधर ड्रॉ होगा, वाई एक्सिस की तरफ। देखो एक्स स्क्वायर इज, देखो वाई एक्सिस की तरफ है, एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस वाई, ये वाई एक्सिस की तरफ है ना, क्यों, क्योंकि यहां एक्स का पावर क्या है, इवन है। अब अगर यही वाई का पावर इवन होगा, वाई का पावर यहां इवन है, जो कि हम लोग अभी नहीं पढ़ना है टेंथ क्लास में, वाई का पावर इवन है, तो इसका कर्व किधर सिमेट्री होगा, एक्स एक्सिस की तरफ। देखो इसका सिमेट्री एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग,
दिस पॉइंट विल बी ऑलवेज रिमेम्बर्ड व्हाट इफ इवन पावर ऑफ एक्स ऑकर्स देन कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, मतलब कर्व किधर ड्रॉ होगा, वाई एक्सिस की तरफ, और अगर इवन पावर ऑफ वाई ऑकर हो रहा है तो कर्व किधर ड्रॉ होगा, एक्स एक्सिस की तरफ, यस और नो। ठीक, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये ए या ये के, या देखो यहां पे ग्रेटर देन जीरो, इफ ए ग्रेटर देन जीरो मीन्स क्या होगा, यहां का इसके पहले का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और के ग्रेटर देन जीरो या के जो भी हो, मतलब ए ग्रेटर देन जीरो, अगर ए ग्रेटर है तो ए के भी ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी इसके पहले क्या होगा साइन, पॉजिटिव, यानी दैट मीन्स व्हाट, कर्व ओपेंस अपवर्ड। देखो यहां पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, वाई, वाई के पहले यहां क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो अगर ये पॉजिटिव साइन है दैट मीन्स क्या हुआ कि कर्व ओपेंस अपवर्ड। पहला चीज क्या समझे हम कि अगर इवन पावर ऑफ एक्स ऑकर से, देखो यहां इवन पावर एक्स का है, इवन पावर एक्स का है तो कर्व किधर होगा बेटा, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस दोनों तरफ ना है, ये भी वाई एक्सिस है, ये भी वाई एक्सिस है, तो या तो ये कर्व होगा या तो ये कर्व होगा, हो गया। दूसरा पॉइंट क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, मतलब वाई के पहले यहां पॉजिटिव हो, बोलते रहे देखो एक्स स्क्वायर इजकल टू वाई या एक्स स्क्वायर इजकल टू के वाई, यहां पे के क्या है, फोर ए, के क्या रख सकते हैं, इंटीजर भी रख सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर इजकल टू टू वाई तो एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस टू वाई, एक्स स्क्वायर इजकल टू थ्री वाई तो एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस थ्री वाई, तो जब भी एक्स स्क्वायर इजकल टू टू वाई होगा तो कर्व हमेशा सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस और ओपनिंग अपवर्ड, मतलब अगर ए ग्रेटर देन जीरो या के ग्रेटर देन जीरो या इसके पहले का साइन पॉजिटिव है तो हमेशा कर्व ओपेंस अपवर्ड, अगर ए लेस देन जीरो और के लेस देन जीरो, देखो यहां पे ए के यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई या एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या रखे, माइनस के वाई, तो के इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा, माइनस वन, यानी कि वाई के पहले क्या साइन है, माइनस, दैट मीन्स व्हाट, कर्व ओपेंस डाउनवर्ड। ये पॉइंट हमेशा रिमेंबर रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसके पहले का साइन क्या है, माइनस है, मीन्स ए लेस देन जीरो है तो कर्व हमेशा ओपनिंग डाउनवर्ड, अगर ये पॉजिटिव है तो हमेशा कर्व ओपनिंग अपवर्ड। सो दीज टू पॉइंट्स ऑलवेज मस्ट बी रिमेंबर्ड एट एनी कॉस्ट। क्या पॉइंट है ये कि इफ इवन पावर ऑफ एक्स ऑकर्स, मीन्स एक्स का पावर अगर इवन है तो कर्व ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, या इफ अगर इस वाई के पहले पॉजिटिव है तो कर्व ओपेंस अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर एक्स स्क्वायर वाई के पहले निगेटिव है तो कर्व ओपेंस डाउनवर्ड, दैट मीन्स ए ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स कर्व ओपेंस अपवर्ड, ए लेस देन जीरो दैट मीन्स कर्व ओपेंस डाउनवर्ड। अब इसी चीज को अब हम जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल समझेंगे। नाउ सी हियर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ध्यान से देखो यहां पे इवन पावर ऑफ वाई ऑकर्स है कि इवन पावर ऑफ एक्स ऑकर्स है, किसका इवन पावर है, 100% एक्स का पावर इवन है। जब एक्स का पावर इवन है तो एक चीज आप क्या समझ गए, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, यानी कर्व या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, अंडरस्टूड, क्योंकि इवन पावर ऑफ क्या ऑकर्स है, एक्स ऑकर, इसलिए कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। अब देखो ए का साइन ए ग्रेटर देन जीरो है, हाँ यस, देखो यहां पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन जीरो तो कर्व ओपेंस अपवर्ड, यानी कर्व किधर ओपन होगा, अपवर्ड की तरफ, तो एकदम क्लियर हो गया बेटा ये ग्राफ, यस और नो। इवन पावर ऑफ एक्स ऑकर्स दैट मींस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस की तरफ ही कर्व बनेगा, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है सो कर्व किधर ओपन होगा, अपवर्ड्स, अगर यही ए माइनस होता तो कर्व किधर ओपन होता, डाउनवर्ड, मतलब वाई इक्वल टू क्या क्वेश्चन होना चाहिए था, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो कर्व ओपन किधर होता, डाउनवर्ड। अच्छा थर्ड चीज क्या देखेंगे कि अब वर्टेक्स फाइंड करो, देखो अभी तक जो वर्टेक्स है यहां पर क्या है, सब जीरो जीरो है, पुट करके देख लो, एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो तो वाई जीरो, तो अभी वर्टेक्स क्या है इस चारों कर्व का, जीरो जीरो, इसका भी जीरो जीरो, इसका भी जीरो जीरो, ये भी जीरो जीरो वर्टेक्स है और ये भी जीरो जीरो वर्टेक्स है, लेकिन अब यहां पे देखो इसका वर्टेक्स जीरो जीरो है, चेक करके देखो, पुट हियर एक्स इक्वल टू जीरो, इसमें एक्स इक्वल टू जीरो पुट करो, पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन, तो वाई क्या आएगा, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो प्लस जीरो इक्वल टू सी, वाई क्या आया, सी, यानी अगर एक्स जीरो हुआ तो वाई सी, यानी कर्व डज नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास करता तो कोऑर्डिनेट क्या आना चाहिए था, जीरो जीरो आना चाहिए था। तो अब सोचो, आप इमेजिन करो, अब इसका ग्राफ कितने तरीकों से बन सकता है, देखो
या तो ग्राफ इसका ये हो सकता है, क्योंकि देखो यहां पे ए क्या है, अब तो ये पता चल गया कि कर्व सिमेट्रिकल किधर है, वाई एक्सिस, और ओपन किधर हो रहा है, अपवर्ड, क्योंकि ए ग्रेटर देन क्या है, जीरो। हमेशा याद रख लेना है कि ए ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स कर्व ओपन्स अपवर्ड। अगर अंडरस्टूड, ओपन अपवर्ड, या तो ग्राफ क्या हो सकता है, एक्स एक्सिस को दो बार क्रॉस करिए बने, या ग्राफ क्या हो सकता है, एक्स एक्सिस को टच करे, या ग्राफ क्या हो सकता है, एक्स एक्सिस को टच नहीं करे और ऐसे ग्राफ बन जाए। ये तीनों ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो। तो यही ना, वन टू थ्री, यही थ्री पॉसिबल केसेस हो सकते हैं इस ग्राफ के, या सुनो मैंने इस ग्राफ का, या तो ये बनेंगे, या तो ये बनेंगे, या तो ये बनेंगे। दीज आर द ओनली थ्री पॉसिबल केसेस ऑफ दिस कर्व। आई थिंक सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा वीडियो को, ध्यान से समझिएगा, जो भी इसके बाद का चीज है हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो। सो दिस इज योर होमवर्क, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। आई थिंक सो एवरीबॉडी कैन ड्रॉ दिस ग्राफ इजिली। थैंक यू वेरी मच।